भद्रन्नोऽपि वातय मनः ॐ शान्तिः 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 ॐकारबिन्दुसंयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः सानंदमानंद वने वसंतम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथ मनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये स्वान्तः परिकल्पित अनंत ब्रह्मांडांतरवर्ती परिदृश्यमान सगंड भारत के मध्य में स्थित इस लखनऊ प्रांगण में यहां पर शिव शक्ति आश्रम के अंदर परिदृश्यमान उस भगवान के अनंत रूपों में से कुछ रूप जो यहाँ पर विराजमान हैं उनको सभी को मेरा सप्रेम ओम नमो नारायणाय। विषय जो दिया गया है वस्तुतः प्रज्ञस्य का भाषा इत्यादियों के अंतिम पाद के जो दो प्रश्न है किमासीत व्रजेत किमासीत के जवाब में भगवान ने छह श्लोकों में जवाब दिया। उन छह श्लोकों में से अंतिम दो श्लोक हमें दिया है जो अधिकतर लोगों में जो दिखाई देता है वही दिए हैं। आपकी कहानी बताने को कह रहे हैं, आपके सांसारिक कहानी को बताने को कह रहे हैं, आध्यात्मिक नहीं। आपकी सांसारिक कहानी कैसी है? ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामक्रोधोभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् विनश्यति। ये दो श्लोक है और जो श्लोक दिए हैं वो किम व्रजति के प्रश्न में भगवान ने जो आठ श्लोकों में जवाब दिए हैं उनके पहला दो श्लोक को बजते बताइए। दो प्रश्नों के जवाब इसका पूछ पकड़ा दिया उसके सर पकड़ा दिए ऐसा विषय दे दिए हैं कहना है लगे तो इस विषय पर कम से कम दो घंटा चाहिए। लेकिन अब जैसे कहावत है सागर को घागर में डाल के दे दो वैसे करने का प्रयास किया।
ध्यायतो विषयान पुंसा। वास्तव में दो श्लोक में भगवान ने यम और नियम के विपरीत बताया। हरेक मनुष्य का अपना लक्ष्य जो मोक्ष पाना है, मुक्ति पाना है, परमात्मा को पाना है, उसके लिए इसका नींव होता है यम और नियम। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि जो गिनाया गया है वो पहला दो है यम और नियम। यम पांच है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। इन पांचों के अभाव होने पर इस जीव की क्या दशा होती है वह वर्णन कर रहे हैं दो श्लोकों में। मानस हिंसा यही है कि हम बहिर्मुख हैं। हमें मन को क्यों दिया भगवान ने? दुनिया का चिंतन करने के लिए नहीं, परमात्मा का चिंतन। फिर हम कर क्या रहे हैं? ध्यायतो विषयान पुंसः। आप विषयों का ही ध्यान कर रहे हैं, जिसको आगे कहते इदम अस्ति इदम अपि मे। गीता के अंतिम शब्द में वर्णन करते हुए कहे हैं, यह है मेरे पास और चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। उन्हीं का चिंतन जो कर रहे हैं, या अहिंसा का विरुद्ध मानस हिंसा हो रही है। और ये हिंसा आप कर रहे हैं, इसका पीछे कारण कौन है? कठोपनिषद में कहा, इसलिए परांच खानी वितृणत स्वयंभु तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन। उस परमात्मा ब्रह्मा ने जो सृष्टि को सृजन किया है, स्वयंभू ने, आपने खानी मन इंद्रियों को बहिर्मुख कर दिया। परांच खानी मैंने खानी मन इंद्रियों को बहिर्मुख किया है, मानो वितृणत, वहां भी तृणु हिंसायां धातु का प्रयोग हुआ है, वितृणत मैंने हिंसित किया है। अहिंसा में निष्ठित होने वाला व्यक्ति इस मन को संसार के विषय चिंतन करता हुआ मानस हिंसा कर रहा है, यह अहिंसा का विरुद्ध। और उसका नतीजा क्या होता है? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते। आपके अंदर इन विषयों के प्रति संग होता है। संग माने आसक्ति, सीधे शब्दों में समझो चिपकाओ, तुम चिपक जाते हो संसार के। ये मेरा है ऐसे पकड़ना अलग, उसे चिपक जाना अलग चीज है। वो फेविकॉल का बॉन्ड बता देना, हाथ भी नहीं छुड़ाता है, छोड़ा नहीं सकता, एडवर्टाइजमेंट दिखाते ना टीवी में, वैसे आपको भी संसार से छुड़ाना मुश्किल हो गया है, इतनी चिपकाव हो गई है। जब किसी वस्तु में आपकी आसक्ति होती है तो उसको पाने की इच्छा जगती है, तब आप क्या बोलने लगते हैं? झूठ बोलने लगते हैं। अहिंसा, दूसरा क्या था? सत्य। आप सत्य छोड़ देते हैं। आपके बच्चा गलत किया, शिकायत आता है तो नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, क्यों आप करते हैं? आसक्ति के कारण झूठ बोलने लगते हैं। उसका नतीजा क्या हुआ आगे? संगा संजायते कामः। जिस विषय में हमारी आसक्ति है उसे प्राप्त करने की इच्छा होगी, और प्राप्त करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, चोरी भी कर सकते हैं। तो अस्तेय का विरुद्ध स्तेय करने लगता है आदमी। सत्य को छिपाना भी एक चोरी है, और उसी कामना के कारण से आपका ब्रह्मचर्य भी बिगड़ गया। कामा क्रोधो विजायते, अब बाह्य हिंसा भी होने लगती है। बाह्य हिंसा इतना बढ़ जाती है, आदमी को क्रोध पर नियंत्रण नहीं होता और कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो बाह्य हिंसा, पहले मानस हिंसा हुई, नतीजा क्या हुआ? बाह्य हिंसा भी होने लगती है। दोनों प्रकार के अहिंसा से आप रहित हो जाते हो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय,
ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जो होना चाहिए आप परिग्रह करने लग जाते हो, बटोरने लगते हैं, जितना भी है वह अभी कम ही लगता है। इस तरह से इस पहला श्लोक में वह पंच यम का विरुद्ध वर्णन किए हैं और दूसरे में क्रोधात भवज सम्मोह, इतनी इस प्रकार का मोह होगा, शुद्धता और अशुद्धता, पवित्र और अपवित्रता, स्वच्छता और अस्वच्छता, तीन चीज है, स्वच्छ होता है, दूसरा शुद्ध होता है और तीसरा पवित्र होता है। आपने गेहूं को साफ किए, कंकड़ आदि अलग कर दिए, ये वह स्वच्छता, उसको आप धोते हो ये शुद्धता, यह पवित्र कौन करेगा? जब मंत्र के साथ उसको आप पकाओगे, कुछ भी करोगे, तब वो पवित्र होता है। आप स्वच्छ आहार ले रहे हैं, शुद्ध आहार भी ले रहे हैं, लेकिन पवित्र आहार नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मंत्र बोले बिना आप खाने लगते हैं। बार बार महाराज जी कहा करते थे, भोजन करोगे हर जो है ग्रास को, ओम नमः शिवाय स्वाहा, नारायण स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, जो मन में आए भगवान का नाम को स्वाहा के साथ जोड़ करके आहुति के रूप में डालना, क्योंकि यहाँ जो बैठा है वो आपका पेट नहीं है जो मांग रहा है रोटी को। कौन मांग रहा है? भूख। भूख क्या है? अग्नि। अग्नि कौन है? यहाँ पर अम वैश्वानरो भूत्वा भगवान ने कहा है, मैं ही वैश्वान अग्नि बन के तुम्हारा पेट पे बैठकर रोटी मांग रहा हूं, लेकिन आप क्या करते हो? मैं खाता हूं बोल के गड़बड़ कर देते। अरे तुम नहीं खा रहे हो, वास्तव भगवान मांग रहे हैं, आप भगवान को आहुतियां दे रहे हैं, इसलिए इसको अग्निहोत्र बनाओ, यज्ञ कर धारण कर दो, तो अपने आप आपका खाया अन्न पवित्र। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, यदि अन्न आपने पवित्र बना के खा लिए आपका मन पवित्र होगा, वहीं से वास्तविक शुद्धि आरंभ होती है। शौच नियम पांच में गिना योग सूत्रकार ने, शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि यमाः, या जो शौच है यह पवित्रता आना चाहिए, जैसे अभी महाराज जी ने कहा था, अंत शौच बाह्य शौच सर्वत्र पवित्र होना चाहिए। सोच में पवित्रता, देखने में पवित्रता, सुनने में पवित्रता, हर इंद्रिय का हर क्रिया कलाप ज्ञान में पवित्रता लाना, लेकिन वह नहीं हो रहा है, आप अशौच में हैं। उस अशौच को वर्णन किया, क्रोधात भवती सम्मोह, नतीजा क्या होता है? आपका तप संतोष और ईश्वर प्रणिधान स्वाध्याय सब खत्म। जैसा जैसा आपका मन और शरीर आदि अपवित्र होते जाते हैं, आपका विचार प्रदूषित होता है। आज वायु प्रदूषण की लोग बात करते हैं, मानस प्रदूषण के बारे में कोई विचार नहीं करते। आज हर व्यक्ति का मन प्रदूषित है, हर व्यक्ति का अंतकरण प्रदूषित है, केवल बाह्य वातावरण नहीं। बाह्य वातावरण को तो हम किसी भी प्रकार से शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन अपने मन के, अपने अंतकरण की शुद्धि, उसकी पवित्रता लाना अत्यंत आवश्यक है। जब तक वो पवित्र नहीं रहेगा, आगे क्या कहा? सम्मोहात स्मृति विभ्रमः। स्मृति माने आपकी मेमोरी पावर कम होगा, ये बात नहीं है। आचार्य शंकर वहां स्मृति का अर्थ करते हैं श्रुति स्मृति के संस्कार, वेद शास्त्र का जो संस्कार है, जो उसका ज्ञान है वह नष्ट हो जाता है। जो शास्त्रीय संस्कार हमारा नष्ट हो जाएगा तो हम कैसे सन्मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे, आप सोचिए। और ये शास्त्रीय संस्कार रहता है तो कभी भी आपसे कोई भी गलत काम नहीं होगा। महाराज जी एक भूसा की कहानी सुनाते, भूसा चोर की कहानी, आप लोग याद है, किसी को सुने हैं महाराज जी के मुख से? चलो कहानी सुना के पूरा कर देता हूं, आगे श्लोक छोड़ देते हैं।
कि महाराज जी सुनाया करते थे, एक बार एक ब्राह्मण मंत्री या राजपुरोहित थे किसी राजा के यहाँ, और उनको एक पुत्र हुआ। जब पुत्र हुआ, बड़े विद्वान पंडित ज्योतिषी थे, उन्होंने अपने पुत्र को कुंडली बनाई। जब कुंडली में देखा, ये तो बेटा महाचोर होगा, डकैत हो जाएगा। वो घबरा गए, पसीना छूट गए, मेरा तो कलंक होगा, राजा भी क्या सोचेगा। इसलिए उसने अपने उस पुत्र को कहीं भी बाहर जाने नहीं दिया। राजा के दरबार बड़ा महल को त्याग करके बाहर एक मिट्टी के और झोंपड़ी बना, दीवारों से झोंपड़ी बना करके शहर के किनारे में रहने लगा। चार तरफ 15 फुट की दीवार बना दी, ताकि उस पुत्र को कभी संसारिक किसी पदार्थ का दर्शन ही न हो, चोरी करने का संस्कार न जगे। और अपने पुत्र उसने क्या किया, शास्त्र में जो दंड संहिता है, जो गरुड़ पुराण का जो हिस्सा है, तो ये चोरी करेगा, ये पाप होगा, नरक में ऐसे ऐसे रहना पड़ेगा, सब दंड संहिता को पढ़ा दिया। अब इधर बड़ा होते गया, राजा का बड़ा इच्छा था, नहीं कुल पुरोहित हैं हमारे, मंत्री भी आप हैं, अपने पुत्रों कभी तो दरबार में लाएंगे, लेकिन उनको डर है, ये दरबार में लाऊंगा या सोना चांदी देखेगा और वो दिमाग घूम सकता है, इसीलिए उसको कभी नहीं लाया। लेकिन एक प्रसंग ऐसे आया, राजा का जो बेटी थी राजकुमारी, वो भी बड़ी होती गई, जैसे तिवारी की बेटी बड़ी हो गई, विवाह किया गया। अब राजकुमार के विवाह का प्रसंग आया, तब राजा ने कहा, आदेश दिया, अब बहाना नहीं चलेगा, आपका जो पुत्र है हमारे भावी कुल पुरोहित, वही विवाह संस्कार कराएगा। अब उसकी गले गले आ गई, मजबूरी में उस बेटे को लेकर के आया। अब राजमहल में जाने के दूर की बात, रास्ते में आते वक्त तो देख रहा है चारों तरफ क्या कमाल के संसार है, ये मैंने तो कभी देखा ही नहीं। अब उसके मन में चोरी की वासना जग, लेकिन पिता उस पुत्र के पीछे पीछे प्रतिच्छाया के जैसे चल रहे थे, और तो कहीं गड़बड़ करने नहीं देते थे। प्रसंग ऐसे आ गया, विवाह समाप्त हुए, कर्म हो गया, और विदाई जब होने लगा, राजा ने उस मंत्री व कुल पुरोहित का, आप आइए विदाई कराइए, अब जो है मौका मिल गया बेटा राजा को। पिता उधर खिसके और बेटा इधर खिसक गया, और उठाए सोने का चम्मच जेब में डालने के लिए कोशिश, याद आता है नहीं सोना चोरी करेगा तो पाप का नरक में जाना पड़ेगा, निकाल कर रख दिया। वापस ढूंढते गए पूरे राजमहल में, कोई चीज ऐसे नहीं मिला जिसको चोरी करने से पाप नहीं होता है। सारा दंड संहिता अंदर भरा था ना संस्कार शास्त्र का, उस शास्त्र के संस्कार के कारण से कोई चीज चोरी नहीं कर सका। इतने में रात छिप गया, पहरेदार बदल गए, वो भी इधर उधर छिपी गया, और उधर मंत्री महोदय कुल पुरोहित, उसको पुत्र नहीं मिला, वो क्या किससे बोलते मेरा पुत्र कहाँ है, वो शर्म के मारे चुपचाप घर चले गए। इधर वो बेटा राजा रात भर भी छिप छिप कर इधर उधर से सामान ढूंढ रहा है चोरी करने के लिए, कोई सामान नहीं मिला। अंत में वो गौशाला में चला गया, वहां गौ को छूता है, बछड़ा को, बछड़ी को, किसी की भी चोरी करूं तो पाप ही पाप दिखता है, दंड ही दंड मिलने वाला है भयंकर, चोरी नहीं कर सका। सांकल बाल्टी कुछ भी, तब अंत में उसका नजर पड़ा भूसा के, उतना गौशाल भूसा रखे, अब वहां जाके खड़ा होकर के पूरा दंड संहिता का पाठ किया, जैसे आप गीता पाठ करते हैं ना, देखा इसमें ये बोला है, कहीं भी भूसा चोरी करने पर कोई पाप का वर्णन नहीं है, न कोई दंड का वर्णन है, तो ये बढ़िया माल मिला चोरी करने को। अब ले कैसे से इतना से क्यों ले जाए भूसा, जब ने पगड़ी उतारा उसने भूसा उसे भरी, और बड़ा गठरी बना करके ले, खुशी से मौका मिला मेरे को चोरी करने का, लेके चल पड़ा। पहरेदार उसको पकड़ लिए, उन्हें पता नहीं कुल पुरोहित का देखा है, रात्रि के पहरेदार दिन में थे नहीं, उन्हें देखा नहीं था,
उन्हें चोर समझ कर उसको पकड़ लिया। अगला दिन राज्य दरबार में बैठा तो राजा ने कहा कल कोई घटना हुई हो तो पेश किया जाए। अब बेटा को लाया गया, मंत्री कुल पूरे सर झुका के बैठा है, क्या हो गया हमारा बेटा चोर, इतना पढ़ाया लिखाया फिर भी ये संस्कार नहीं है। लेकिन उस शास्त्रीय संस्कार ने उसे भयंकर पाप से बचाया। इसलिए महाराज जी इस दृष्टांत समझाया करते थे, हमें शास्त्र के संस्कार को अपनाना चाहिए। और वो यदि आप काम क्रोध लोभ से युक्त हो जाएंगे, स्मृति भी भ्रम, वो शास्त्र की स्मृति शास्त्र का जो संस्कार है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमें शास्त्र का संस्कार अपनाना चाहिए ताकि हम यम नियम का समय पालन कर सके। यदि हम शास्त्र संस्कार को त्याग देते हैं, शास्त्र को मुझे संस्कार नहीं है, उसका नतीजा क्या होगा? अरे स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, आपका विवेक बुद्धि, जब क्या करना है क्या नहीं करना ये विवेक ही नहीं रह जाएगा तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धि का नाश होने के साथ साथ आपका विवेक का नाश होने के साथ आपका पतन निश्चित है, आपका ध्वंस है। जिसको श्रुति ने कहा यह चेत अवेदी अत सत्यमस्ति नो चेत यह अवेदी महती नस्ति। इस जन्म में रहते हो यदि मैं अपने परमात्मा स्वरूप को नहीं जाना तो मेरा जीवन व्यर्थ है, विनाश है। इसे इस जन्म में, इस मनुष्य जन्म में मनुष्यत्व पाकर और महाराज जैसे महापुरुषों के चरणों में रह करके यदि आपने उपनिषदों के, गीता के, ब्रह्मसूत्र के संस्कार को अपनाओगे नहीं, आप लोगों का जीवन भी व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए सभी का कर्तव्य इन आयोजकों को धन्यवाद दे, ये महाराज जी के द्वारा जो सभी को दिया हुआ वेदांत का संस्कार, शास्त्र का संस्कार आपको देने के लिए यह एक दिव्य संत समागम लिख दिया इन्होंने, वास्तव में एक संस्कार शिविर है। जैसे बच्चों के लिए संस्कार शिविर होता है, एक ट्रेनिंग सेंटर होता है, प्रशिक्षण केंद्र होता है, वैसे यह सभा मंडप वेदांत संस्कार शिविर है। ये इसका लाभ उठाएं और अपने जीवन का लक्ष्य जो है जीव ब्रह्मत्व का अनुभूति है वो आप सब गुरु की कृपा से अनुभव प्राप्ति करें। इसी आशा के साथ, मंगल कामना के साथ वाणी को विश्राम देता हूँ। हरिओम तत्सव, हरिओम तत्सव।